ऑटो एक्सपो ने नए साल को एक धमाकेदार शुरुआत दी है और इस बार सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं ईवीज। इस वीडियो में हम उन सारे ईवीज को डिस्कस करेंगे जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है और जो मार्केट में इस साल के अंत तक अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइगर मोबिलिटी की। ये मुंबई बेस्ड कंपनी ने भारत में ऐसी स्कूटर लाई है जिसे गिराना लगभग इम्पॉसिबल है। लाइगर एक्स और लाइगर एक्स प्लस दोनों ही ऐसे स्कूटर्स हैं जिसमें सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी यूनिक फीचर्स के साथ भी आती है। तो चाहे आप ट्रैफिक से गुजर रहे हो या आप ब्रेक मार रहे हो, आपको दोनों ही सिनेरियोज में पैर नीचे रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये स्कूटर अपने आप खुद को बैलेंस करती है और इसमें एक लर्नर्स मोड भी है जिसके साथ आप इसकी टॉप स्पीड रिस्ट्रिक्ट करके बहुत ही सेफली स्कूटर सीख सकते हो। तो अगर आप या आपके कोई रिश्तेदार किसे स्कूटर सीखना हो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। लाइगर का सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम काफी स्मार्ट भी है, तो अगर आप लंबे समय तक अच्छे स्पीड्स मेंटेन कर रहे हो तो ये खुद को स्टैंड बाय मोड पे ले लेगा और स्पीड कम होते ही ये खुद को एक्टिवेट भी कर सकता है। पर अगर आप बैटरी बचाना चाहते हो तो ये आप मैन्युअली डिसएंगेज भी कर सकते हो। हालांकि लाइगर मोबिलिटी ने अब तक इसके बैटरी स्पेसिफिकेशंस तो नहीं बताए, बट ये अपने लिक्विड कूल बैटरी पैक से लगभग 100 किलोमीटर तक के रेंज का दावा कर रहा है। ये दोनों ही स्कूटर्स काफ़ी फीचर पैक्ड भी है, दोनों में 4G कनेक्टिविटी और GPS है, पर एक्स वेरिएंट में आपको साथ ही नेविगेशन और कॉल SMS अलर्ट्स भी मिलेंगे। लाइगर इसकी बुकिंग्स मिड 2023 में स्टार्ट करेगा और ईयर एंड तक इसका लॉन्च हो जाएगा। लाइगर दावा कर रहा है कि इस स्कूटर का प्राइस 90,000 रुपये होगा, जो इसके टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए काफी सस्ता है। आपको इसके प्राइसिंग के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पुणे के टॉक मोटर्स ने इस बार एक्सपो में क्रेटोस आर और क्रेटोस एक्स दिखाए हैं। क्रेटोस आर में अब बैटरी पैक और मोटर दोनों ही ब्लैक्ड आउट है, बट इसका सबसे बड़ा अपडेट है इसका कॉन्सोल। ये कंसोल अब एक अच्छे UI और साथ ही अलग लेआउट में आता है। और बात करें क्रेटोस X की, तो ये टॉक का नया फ्लैगशिप मॉडल है। यहाँ आपको एक बेहतर मोटर फ्यूरियसली फास्ट मोड के साथ और साथ ही एल्युमिनियम स्विंग आर्म, विंगलेट्स और कीलेस इग्निशन मिलता है। हालांकि क्रेटोस X के स्पेसिफिकेशंस तो हमें नहीं पता है, इसके डिलीवरीज जून से और टेस्ट राइड्स मार्च से शुरू होंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपना एक नया पोर्टेबल चार्जर भी दिखाया जो होम चार्जर जितना ही तेज चार्ज करता है, और साथ ही नए पैनियर्स भी दिखाए हैं जो साल के एंड तक लॉन्च होंगे। अब बात करते हैं केक की। वेल, खाने वाला केक नहीं बल्कि केक ईवी मेकर की। ये एक स्वीडिश कंपनी है जो भारत में जल्द ही आ सकती है। इस एक्सपो में कंपनी ने अपना कॉक ई मोटरसाइकिल और ओसा वर्क और मेक्का फ्लेक्स, ये दोनों B2B ई स्कूटर्स हैं जो बिजनेसेस और डिलीवरीज के काम आएंगे। ये तीनों प्रोडक्ट्स दिखने में तो काफ़ी बढ़िया है और अगले 1-2 साल में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। केक इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटी खोलने का ट्राई कर रहा है और अगर ये होता है तो हमें लगता है कि इसके B2B ई स्कूटर्स लगभग 2.5 लाख से और इसका इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 3.5 लाख तक प्राइस हो सकता है। तो इन EVs के साथ इस साल एक्सपो में थे अल्ट्रावायलेट F99, TVS iQube ST एंड मैटर के 2 नए कंसेप्ट्स। इन सारे EVs को हमने सेपरेट वीडियोस में कवर किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रहे और नोटिफाइड भी रहे ताकि हमारा कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आप किस EV के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा।